अरे अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत मुबारक हो आप। बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग उधर चल के बैठे बैठे प्लीज। ये मीरप कहाँ है? हाँ, नजर नहीं आ रही कहीं भी ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? पहली बीवी कहाँ चली गई जो मुर्तसिम की हया के साथ मंगनी हो रही है? कहीं चली तो नहीं गई है? मेरा मतलब है तलाक क्या? अरे नहीं, खुदा ना करे, हमारे खानदान में क्या पहले किसी की तलाक हुई है जो अब होगी? तो फिर मर गई है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो उसके होते हुए मुमकिन नहीं था। अब पसे पर्दा क्या बात है, इसका जवाब तो सलमा बेगम ही दे सकती है ना? तो इंतजार किस बात का है? सलमा आ गई है, पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत 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 शुक्रिया। कैसी है फरीसा, ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ जो देख रही हूँ ना, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल? कैसे सवाल? मीरब कहाँ है? मीरब? वो मीरब तो काफी दिन हुए घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई या तलाक? नहीं, तलाक नहीं हुई, बस असल में मीरब और मुर्तसिम की बचपन से मंगनी हुई थी। मीरब मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती थी और हमने कर दी, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो खामखा की बातें करते हैं। बस फिर मैंने सोचा कि आखिर को मेरा एक ही बेटा है, उसकी औलाद देखने का अरमान तो मेरे दिल में है ना, तो मुझे यही ठीक लगा जो मैं कर रही हूँ। बात तो आपकी भी ठीक है। अच्छा आप बैठे, बस अभी थोड़ी देर में मंगनी की रस्म होती है, फिर मैं बुलाती हूँ। बैठे। बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, वो ले आओ चीजें। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं, लेकिन ये बात तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? क्या किया ऐसा मीरब के साथ कि वो भाग गई? दे दो, माँ बेगम ने मांगी। मीरब की आई है उठी, लेकिन वो यहां नहीं है। जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, तब ये अंगूठी तुम्हारी होगी। और तुम भी। कहती थी ना, एक बार मीरब इस घर से और मुर्तसिम की जिंदगी से चली जाए तो मुर्तसिम मेरा होगा। उसकी बीवी होने की हैसियत से सब मुझे हया बेगम बोलेंगे। मैं, सिर्फ मैं कहलाऊंगी मुर्तसिम खान की खानम।